हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDELED सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका सेकंड पेपर होता है। और फ्रेंड्स सॉरी, जैसे कि 11 बजे वाला क्लासेस नहीं आ पाई और ये भी क्लास थोड़ी लेट से, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से क्लासेस नहीं आ पाई, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, और देखिए फ्रेंड्स ये जो अति लघु क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट लेसन के फर्स्ट चैप्टर के अति लघु, इसके पहले हमने जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्थिति है, यानी जो अनुच्छेद 21A है, आर्टिकल 21A है, इसमें शिक्षा संबंधी क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 21A संविधान के भाग तृतीय के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 21A होता है, इसमें यही प्रावधान है कि संविधान के भाग तृतीय, ठीक है, इसमें ये अधिकार दिया गया है कि राज्य में जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री में और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए, और ये जो जो ये कानून है ये राज्य के अंतर्गत आता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि संविधान की धारा 29(2) में क्या प्रावधान है, यानी जो 29(2) हमने बहुत ही अच्छे से जब लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किया था तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि संविधान की धारा 29(2) में क्या प्रावधान है, तो धारा 29(2) यानी राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। अगर हम सिंपली भाषा में कहें कि संविधान का जो धारा 29 है, इसका क्या अर्थ है 29(2), इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें यही बोला जाता है कि जो ऐसे स्कूल कॉलेज जो राज्य से धन प्राप्त करते हैं, उनसे हेल्प, उनको यानी पैसा दिया जाता है, तो वो बिना किसी भेदभाव के हर एक जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको एडमिशन दिया जाए, उसमें कोई भी मतलब रोक टोक ना किया जाए। ठीक है, कि आप इस धर्म के आते हो या फिर आपका रंग इस तरीके का है, तो इसमें बिना किसी रोक टोक के, और जो भी जो राज्य सहायता प्रदान करती है जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं उनको बिना रोक टोक के अपना एडमिशन लेना है, तो यही आपका 29(2) में आता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया, तो देखिए फ्रेंड, धारा 45 यानी राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय में 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी जो आपका धारा 45 होता है, इसमें क्या बोला है कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय, यानी जब यह संविधान लागू हुआ, 10 वर्ष के अंतर्गत जितने भी सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा 45 धारा 45 में। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की, और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था, और भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा जो की थी वो कब की थी, तो 20 नवंबर 1989 में की थी, और जो इस घोषणा का जो मूल उद्देश्य था कि विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों का, यानी जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकता है, मानवीय अधिकार है, उनको सुनिश्चित करना था, और भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया।
ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा कब किया था, 20 नवंबर 1989 को, और भारत सरकार ने इस घोषणा को जो स्वीकारा वो 11 दिसंबर 1992 को स्वीकारा था। अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल अधिकार के प्रमुख चार बिंदु बताइए, यानी बाल अधिकार के कौन कौन से अधिकार है, इसके बारे में केवल केवल फोर्थ पॉइंट बताना है। तो देखिए, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा प्रत्येक बच्चों को अपनी अपने राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, माता पिता अथवा परिवार से पुनः और संबंध बनाए रखना। तो ये आपका बाल अधिकारों के प्रमुख चार बिंदु हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, आप सभी को याद भी होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके, ब्रिटिश 2016 का प्रश्न है। तो विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यालयों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके, तो विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सहयोग सहकारिता प्रेम विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों विचारों आस्थाओं विश्वासों का सम्मान करने की विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए कि यानी किसी भी धर्म के प्रति वह मतलब गलत ना सोचे। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा, तो देखिए इसका खर्च यानी कौन वहन करेगा, तो विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी, यानी जो भी बाल शिक्षा में जो भी खर्च लगेगा अधिनियम 2000 अनुसार, तो इसका जो खर्च जो उठाएगा वो राज्य और केंद्र पे वही मतलब जो भी व्यय होगा वो देगी। प्रश्न नंबर आपका आठवां है कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा, तो बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा, यानी अगर मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाता है तो उसका जो भार होगा वो प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए बढ़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल शिक्षा के अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है, तो सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही अच्छे से देखिए, मैंने आपसे बताया था कि अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न याद कर लेते हो तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं आती है अति लघु क्वेश्चन याद करने में। ठीक है, यानी निजी ट्यूशन पढ़ाने की छूट नहीं होती है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक स्कूल विद्यालय चाहिए, तो प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल और 2,349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा जिसका अनुमानित खर्च 3,800 करोड़ है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ, तो सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 और 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अभियान के अंतर्गत ठीक है यानी सूबे में रुपए 13,328.79 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ है, तो यहाँ पे जो व्यय हुआ है 13,328.79 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर हुआ है, तो ये देखिए 42वें संशोधन में हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। लास्ट आजकल के क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है, अब हम लेसन 2 कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स।
तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट लेसन के और इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट लेसन के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछ ले जाएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 से क्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो कि इसमें जो प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा, 29 यानी धारा 29 में ये कहा गया बिना किसी भेदभाव को सभी को शिक्षा दिया जाए, 45 में ये प्रावधान किया गया कि सभी बच्चों के लिए यानी जब ये लागू हुआ संविधान उसके 10 वर्ष के अंतर्गत सभी जितने भी 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क बाल अधिकारों की घोषणा, तो सबसे पहले तो जो घोषणा की संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को की और भारत सरकार द्वारा इस पे मोहर जब लगा यानी स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1992 को। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा किया गया है वो 20 नवंबर 1989, ठीक है, 20 नवंबर 1989, और भारत सरकार 11 दिसंबर 1992, ठीक है। और बाल अधिकारों का प्रमुख 4 जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय राज्य और केंद्र उठाती है, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने सरकारी व्यय 12,000 करोड़, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन नहीं छूट नहीं है, बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने प्राथमिक नए, तो यहाँ पे प्राथमिक यानी स्कूल जो होगी वो 4,596 और उच्च जो होगी वो 2,349 यानी आप कह सकते हो कुल अनुमानित खर्च 3,800 करोड़, और सर्व शिक्षा अभियान 31 मार्च 2009 तक कुल कितने, तो 13,328.79 करोड़ खर्च हुए, और भारत में एक संघ पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा कहां पर हुआ है, तो संविधान के 42वें संशोधन में हुआ है, और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य और केंद्र को। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये जितने भी क्वेश्चन से याद हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।